नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने फरवरी के राशिफल में। अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी हमने वृश्चिक राशि की, यानी कि शुरू की 8 राशियों तक। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाके वो वीडियोस को हमारे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे धनु से लेकर मीन राशि तक कि किस तरह से परफॉर्म करेंगी ये 4 राशियाँ आने वाले फरवरी 2018 में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें भी कुछ अच्छा महसूस हो कि हाँ हम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं धनु राशि से। धनु राशि के लिए फरवरी का महीना पिछले दिनों के मुकाबले कुछ अच्छा रहने की संभावना यहाँ पर रह रही है। जो लोग बीमार चल रहे हैं या स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम से यहाँ पर गुजर रहे हैं, कुछ यहाँ पर अच्छी खबर उनको मिल सकती है। हालांकि आपको क्रोध से बचना होगा इस पूरे महीने में, और आर्थिक स्थिति जो है वो अभी भी बैलेंसिंग स्थिति में ही रहेगी, यानी कि थोड़े से यहाँ पर अप एंड डाउन की स्थिति थोड़ा सा रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो महीना रहेगा वो बैलेंस के हिसाब से रहेगा। हालांकि आपका जो धन है वो ज़्यादातर हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ पर खर्च हो सकता है, क्योंकि भाग्य यहाँ पर पूरा साथ आपका नहीं दे रहा है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा सा विशेष परिवर्तन यहाँ पर लेकर आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा उस वैसे वैसे उनकी स्थिति भी यहाँ पर ठीक होती हुई चलती चली जाएगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की या तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की, उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। परीक्षा में यानी कि एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल ध्यान से पेपर दें। जितना अच्छा ध्यान लगाएंगे उतने अच्छे आपको जो है परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा खासतौर से जो लोग दे रहे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देने की ज़रूरत है, क्योंकि कि आते आवाते चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे तो ध्यान से पढ़ें और उसको बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करें। थोड़ा वाणी पर संयम रखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, अगर आप वाणी पर संयम रखते हैं तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर पाएंगे और परिणाम आपके पक्ष में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर महीना जो है वो मध्यम कहा जा सकता है, ना बहुत बढ़िया ना बहुत खराब। 8, 9, 10, 18, 19 और 20 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो महीना और अच्छा आपका हो जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि थोड़ा सा जो है अपने बोलने पर ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों का महीना मध्यम है, कोई ज़्यादा बढ़िया या ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, खासतौर से आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो धन की समस्या जो थी वो जो आपकी चल रही थी वो कहीं ना कहीं आप ख़त्म होगी, और जो लोग नौकरी करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस महीने में बढ़ती हुई दिखाई देगी। कार्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें और कोई भी काम टालने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको डबल काम करना यहाँ पर पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए लाभ के अवसर मिलेंगे, काफ़ी नई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है। निवेश के दृष्टिकोण से भी समय जो है अच्छा बना रहेगा और उत्तम जो है यहाँ पर प्रॉफिट आपको मिलेगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उनके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको काफ़ी अच्छे परिणाम यहाँ मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल कहा जा सकता है। मानसिक रूप से हालांकि कुछ परेशान आप रह सकते हैं, लेकिन जो भी परेशानियाँ आपकी रहेंगी उनका शीघ्र समाधान आपको मिल जाएगा। जो परेशानियाँ आपकी पुरानी चल रही थी वो उनका भी समाधान आपको अब मिलेगा। शनि का गोचर आपके लिए कुछ परेशानी लेकर जरूर आएगा, जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा, तो शनि से रिलेटेड उपाय आप कर सकते हैं। वहीं मंगल का गोचर भी आपको लग्न भाव में होने के कारण थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की हिदायत मैं यहाँ पर आपको दूंगा। हालांकि ये जो परिवर्तन होंगे ये कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी चीज़ों को प्रभावित करेंगे, तो कुल मिलाकर बहुत सावधानी के साथ महीना चलाएं और कोई भी हड़बड़ी या जल्दबाजी ना करें। 2, 3, 11, 12, 20, 21 और 22 को अगर आप ध्यान रखेंगे तो महीना जो है वो उत्तम फल आपको देकर यहाँ पर जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे बढ़कर कुंभ राशि की कि कुंभ राशि वालों का ये महीना कैसा रहेगा। समान रहेगा, कोई ज़्यादा उठक पटक यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। हालांकि जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ चलना होगा, खासतौर से अपने अधिकारियों के साथ, और जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है ऑफिस उसके अंदर उसमें थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। आपको ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो, अपने कार्य पर ध्यान दें और बेकार की बातों में ना उलझें, और आपके साथ अनुकूल व्यवहार करें। व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है, उन्हें उत्तम लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, और जो महीने का बाद का टाइम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर ही निर्णय लें, जल्दबाजी में निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि जो पारिवारिक माहौल रहेगा वो अच्छा रहेगा, एक दूसरे की सहायता आपको देखने को मिलेगी, मतलब परिवार के लोग आपस में एक दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छा यहाँ पर
व्यवहार करेंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के दृष्टिकोण से या भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक चिंताओं से छुटकारा मिलेगा और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी आपकी बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। अध्ययन में मन लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप जो है हिस्सा ले सकते हैं। यश और आत्मविश्वास की वृद्धि भी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक क्षेत्र भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और मानसिक समस्याओं से भी थोड़ा बहुत बाद में महीने के लास्ट में आपको अच्छा रहेगा। 4, 5, 13, 14 और 15 तारीख को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो है आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि लास्ट में आप हमसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अनेक क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो विद्यार्थी है उनको शुरुआत के समय में कुछ यहाँ स्ट्रेस रह सकता है, किताबों को लेकर कुछ पेपर्स की वजह से टेंशन में वो रह सकते हैं। हालांकि कुल मिलाकर जो महीना रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े बहुत चिंतित आप रह सकते हैं, लेकिन कोई भी समस्या जो भी है उसका समाधान आपको शीघ्र मिलेगा। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए शुरुआती दौर जो रहेगा महीने का वो थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा समय आपके अनुकूल होता जाएगा और आपको जो कार्य या कोई कर्ज आपका चल रहा था उसमें भी आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहेगा। मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और प्रसन्नता आपके आपको रहेगी। व्यापारियों के लिए भी ये महीना काफी अनुकूल रहेगा। उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और यदि आप व्यापार में कुछ नया चेंज करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि दोस्तों पूरा कुंडली का विवेचन करने के बाद ही किसी निर्णय पर आप पहुंचे। जहाँ तक आपको बात करूँ, कुछ कुछ लोग आपको इस महीने में ऐसे मिल सकते हैं जो आपको बहकाएंगे, तो किसी के बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं। और कुछ चीज़ें खरीदने से पहले, कोई बड़ी चीज़ें खरीदने से पहले उनके प्रो और कॉन्स को आप देख लें। 6, 7, 16, 17, 25 और 26 को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हुआ 12 राशियों का राशिफल फरवरी मास के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे भटनागर अभी 24/11@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9411848508, 9666328253 पर हमें सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे नंबर बंद रहते हैं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट्स को जरूर देखिएगा, हमारी वेबसाइट्स अपडेटेड रहती हैं। और न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स को भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे निवेदन है कि आप पर्सनल में मैसेज किसी को भी फेसबुक पे ना करें। साथ ही साथ जो भी एनालिसिस होते हैं वो पेड होते हैं, उसकी एक निश्चित फीस आपको देनी होती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और क्या क्या आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।